वहीं गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में हथियारबंद बदमाशों से मुकाबला करने वाली दो महिलाओं को गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने बहादुर महिलाओं को प्रशंसा पत्र और 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं 15 अगस्त जैसे अवसर पर भी इनको सम्मानित करने का आश्वासन भी दिया है। क्या करती हैं? कैश लेते हैं। कहाँ पे? इको काउंटर पे बात से करें। हम दो ही रहते हैं। बच्चे नहीं? नहीं बच्चे नहीं। उस दिन जब हमलावर आए तो ये कैसे ख्याल आया कि इनका मुकाबला करना है? उन्होंने थप्पड़ मार दी इसलिए? पता नहीं सर, वो एक बार तो डर लगा था, थप्पड़ मारा, किसी वजह से लगा लो तो एकदम तो मुकाबला एक करने की हिम्मत आ गई। आपने कर लिया? हाँ। मरने के बाद वो छुड़ा के भागे नहीं या फायर नहीं किया उन्होंने? नहीं फायर नहीं किया। यही डर नहीं था कि और उनके साथ अगर वो गोली मार देते तब? वो तो गोली मार देते तो मरना तो तब भी था सर, आते ही मार देते। इतनी हिम्मत कहाँ से आपने समेटा कि हम सबसे मुकाबले के लिए बोलिए? सर पता नहीं अपने आप ही हिम्मत आ गई कि कुछ करना चाहिए, ऐसे चुप नहीं बैठे रहना चाहिए। हम दोनों में हिम्मत, एक को हिम्मत करते देखा तो मैंने भी हिम्मत कर ही ली। आपके पति ने क्या कहा? वो तो बहुत खुश हुए, क्या हिम्मत वाला काम किया। हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि सबको मुकाबला करना चाहिए, डर के नहीं बैठना चाहिए। बिमला देवी जी, उस दिन दो बदमाश आए, आके टेबल पे बैठ गए जैसे कस्टमर आते हैं उसी हिसाब से। फिर बैग उतारा कंधे से, बैग माँ से गन निकाली, गन निकालने के बाद चुपचाप गन दोनों ने ले ली। फिर अंदर घुस के आपके सामने ही दोनों ने गन ले ली। हम तो जाने पैसे ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, हमने तो बाद में पता चला ना गन निकाली है। तो फिर अंदर गए, अंदर बढ़ के फिर भाग के टेबल रखी थी, टेबल को गिरा के मैडम को थप्पड़ मारा। फिर मार के फिर मेरे पास गए, मेरे पास भी हमारा चिपटा चिपटी हुई पिस्टल लगा दी हमारे दोनों के। फिर बोले चुप रहो, हम चुप नहीं रहे, शोर मचाते रहे। और बाहर किसी ने SHO साहब से फ़ोन कर दिया, फिर वे पुलिस आ गए, फिर पकड़े गए। लगभग दो दिन पहले बादशाहपुर के इलाके में एक बैंक में लूट का एक प्रयास हुआ था, जिसमें दो बहादुर महिला पुलिस महिला कर्मियों ने, बैंक कर्मियों ने, जो लूट करने आए थे उन लोगों से जो जिनके हाथ में हथियार भी थे, उनके साथ बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हुई पुलिस अन्य लोगों की इमदाद से। उन लोगों को फिर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, अपने हिरासत में लिया है, उनका अभी इंटरोगेशन चल रहा है। तो हमें आशा है कि उनके इंटरोगेशन से और भी कई मामलों की हम खुलासा करने में कामयाब रहेंगे। तो पूनम देवी और बिमला देवी ने जो ये बहादुरी का परिचय दिया है, मैं मानता हूँ कि ये अन्य महिलाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत होगा। और यदि इस तरह से लोग क्राइम को चेक करने में अगर अपना योगदान दें तो वो दिन दूर नहीं जो हम क्राइम पे पूरी तरह से अंकुश पालेंगे और क्राइम बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा। जी बिल्कुल, इनको क्योंकि आज हमने यहाँ पे एक छोटा सा अपना एक उनको सम्मानित करने का एक प्रयास किया है। इसके अलावा इनको 15 अगस्त का जो आयोजन होता है उसमें भी हम इनको सम्मानित करवाएंगे, जो वहाँ पे मुख्य अतिथि होते हैं उनसे, और भी जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनमें हम इनको एक प्रेरणा के स्रोत के तरह दोनों महिलाओं को हम उनका निमंत्रण करेंगे कि वो आए और महिलाओं को और लोगों को अभी प्रेरणा दें।